How are you? So nice to see you. I know, same. Thank you for coming. You're welcome. Yeah, bahut sardi hai by the way Islamabad mein. I was not expecting this. Sorry, COVID ki wajah se we should just stare. Yeah. Little social distancing. Yep. So this is the new normal now. So. I know. So I was thinking, can we go and sit on the benches over there? Nice warm place. I know. This is what we need today. So Maya, how long have you been in Islamabad? I moved back in September 2011. Mm-hmm. It's almost nine and a half years. Yeah. Or like, how did you move? How did you know? So it's a long story. I basically came out to my family as a trans. उस वक्त लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं था क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी बाहर. इवन इंटरनेट के ऊपर भी आपको ज़्यादातर ट्रांस के हवाले से पोर्न या पाकिस्तान के हवाले से डांस वीडियोस, मुजरों की वीडियोस, इस तरह की चीज़ें रिसर्च में आती थी. कोई साइंटिफिक सॉलिड रिसर्च नहीं आती थी. सो आई वाज आल्सो स्केर्ड. अंदर से दिल में डर तो था लेकिन कॉन्फिडेंस तो था कि नहीं करना है, करना है, ऐसी लाइफ गुजारनी है. सो द बेसिक रीज़न टू कम टू इस्लामाबाद वॉज टू एक्सप्लोर माई आइडेंटिटी, वॉज टू बी रिकग्नाइज्ड एज माया. And yes, it was a hard step. I didn't know what I'm getting into. बस सिर्फ ये जुनून सवार था कि ये घर वालों से थोड़ा अलग होना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लग गए थे. तो बस इसलिए ये सोचा कि निकलना है कहीं. रीज़न वाई चूज़ इस्लामाबाद बिकॉज आई वॉज मेरा पहले एडमिशन हो चुका था कराची में. ट्रांसफर हो गया आपका? हाँ, इकरा लकीली उनका कैंपस था यहाँ पे इस्लामाबाद में. सो आई अप्लाइड फॉर दिस ट्रांसफर, हो गया. उस बेसिस के ऊपर मेरे घर वालों ने थोड़ा सा मेरे ऊपर यकीन किया कि अच्छा ठीक है, पढ़ने ही जाना है ना, पढ़ने जाना है ना, ठीक है पढ़ने जाना है, देन इट्स फाइन. वरना दे वर आल्सो रिलक्टेंट एंड नॉट रेडी टू सेंड मी अवे. बट आई नेवर लिव्ड इन कराची. टेक्निकली बाहर सऊदी बॉर्न एंड ब्रॉट अप, सो पेरेंट्स भी वहीं पर ही रहे. सो ज़्यादा टाइम हमारा कराची में नहीं, रियाद में गुजरा है. बट यू जस्ट सेड दैट यू वर रेज्ड इन रियाद, राइट? सो व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग लाइक? हाउ वाज इट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? सो I wouldn't say कि it was pretty normal, थोड़ा different था. Obviously, I always used to feel different. लेकिन उस पर ये नहीं पता था कि why do I feel different. I was the kid who always wanted to play with cup and saucers, और teacher खेलते थे हम लोग, और like all indoor kind of games. Yeah. Although I was being brought up as a boy at that time. Yeah. फिर भी मेरे interest बिल्कुल भी नहीं थे like outdoor fields के अंदर. Even जो हमारी sports की class होती थी, मेरी preference होती थी कि मैं दो चार अपनी तरह के ढूंढ लूँ और उनके साथ बैठ के कोई कलरिंग कर लूँ या कोई बुक पढ़ लूँ या कुछ बस किसी तरीके से. मैं क्रिकेट और फुटबॉल से जो है ना जान छुड़ा लूँ अपनी ना. सो यस, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके फिर फ्रेंड्स नहीं डेवलप होते. आपको बाहर आप लाइक ब्रेक के अंदर आपको अपने अंदर ही बैठे हुए हैं बिकॉज़ यू वांट फिटिंग इन. हां, आई वाज फिटिंग इन ना. अब लाइक होता ये था कि लंच टाइम के पर द बॉयज वांटेड टू गो आउट एंड प्ले जंप एंड एवरीथिंग एंड आई वांटेड टू स्टे इन, यू नो, हैव माय लंच नाइसली प्रॉपर्ली, मेरा नैपकिन खोल करके रखना एंड एवरीथिंग. सो एवरीवन वाज लाइक, Why are you like this? Why are you like a girl? तो वो उस टाइम पे जो अब इतने डेरोगेटरी टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं, खुसरा, हिजड़ा, वो चीज़ें नहीं थी बेशक, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता था वाई आर यू लाइक अ गर्ल, तुम लड़कियों की तरह क्यों हो. फिर ये ऐसे ऐसे चीज़ें जो है मेरी अम्मी तक भी पहुँचना शुरू हो गई टीचर्स के थ्रू के योर सन डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, वाई इज दिस गोइंग ऑन. और घर पे नोट कर रही थी आपकी अम्मी जो बिहेवियर था? हाँ, वो लेकिन इग्नोर ही रहता था क्योंकि आई हैड अ यंगर सिस्टर, तो उसके साथ खेल रही होती थी. चलो बहन भाई खेल रहे हैं आपस में, कोई बात नहीं. अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको ज्यादा कपड़ों में घुसने का शौक है. अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर वॉन्ट्स टू सिट स्टैंड इन द किचन व्हाइल आई एम कुकिंग. माँ के लिए तो इतनी बुरी बात नहीं होती, बट मेरी बहन को थोड़ा सा होता था, बड़ी वाली बहन को, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू सिट विद हर फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली आई यूज्ड टू अडोर देम, दे वर लाइक बड़ी बहनें थी, उसकी दोस्तें आती थी, तो मैं कहती थी कितनी अच्छी है, मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ. वो लोग कहती थी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके, तुम ये हाथ ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर रहे हो, वाई आर यू नॉट वॉकिंग स्ट्रेट. तो वो उसकी फ्रेंड्स उसको कहती थी, वो इन प्रेशर मुझे बोलती थी. तो इस तरह से ऑब्वियसली चाइल्डहुड
नोक झोंक में गुजर गया हमारा. हाँ, धचके नहीं लगे जो पाकिस्तान आकर के लगे. जो अच्छा, ये सब रियाद में हो रहा था. ये सब रियाद में हो रहा था. सो आई से इट वाज लाइक अ बबल. उस बबल के अंदर बस काफ़ी कुछ हो रहा है. होती थी जैसे लाइक व्हेन आई हिट प्यूबर्टी माय वॉइस वाज नॉट चेंजिंग. तो मेरी अम्मी की फ्रेंड ने कहा कि व्हाई द वॉइस इज़ नॉट चेंजिंग. हुआ ये इंसिडेंट था कि मैंने फ़ोन उठाया एंड आई वाज शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी थिंकिंग दैट इट्स मॉम राइट. एंड आई वाज लाइक एक मिनट आंटी, मैं मम्मा को देता हूँ फ़ोन ना. सो शी सेड लाइक इसकी आवाज़ क्यों नहीं ब्रेक हो रही, ही इज 13 प्लस नाउ ब्ला ब्ला ब्ला. तो माई मॉम ड्रैग्ड मी टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे पता नहीं डॉक्टर को किसी ने कहा कि डॉक्टर ने उनको कहा कि इसका जो नीचे टंग का तालू है वो काट देंगे तो उसकी आवाज़ ठीक हो जाएगी. एंड वो काटा, वो कट लगा प्रॉपर. ओह माय गॉड, यस आई हैड टू गो थ्रू दैट पेन. एंड आई रियली रिमेंबर के माय फादर वाज वेरी अगेंस्ट इट के इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट द राइट थिंग, इट डजंट मेक सेंस. इट डजंट मेक सेंस, या बट माय मॉम वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मुझे पता है ना, मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूं पूरा दिन, आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं. सो यस देयर इज समथिंग ना, लाइक करना पड़ेगा हमें ये. तो वो हुआ. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती थी और वक्त गुजर गया. स्कूल में जो ज़्यादा बुलिंग का मुझे सामना करना पड़ता था वो स्पोर्ट्स के हवाले से करना पड़ता था बिकॉज आई वाज नॉट इनटू स्पोर्ट्स एट ऑल. एंड दैट्स द टाइम इट बिकेम मोस्ट नोटिसेबल दैट यू वर डिफरेंट. हाँ, दैट आई वाज डिफरेंट. बहुत इग्नोर्ड और बहुत ज़्यादा बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस ये वाला सीन था ना. तो हाँ, मैं कभी कभी सोचती थी कि वाई एम आई डिफरेंट, वाई एम आई नॉट लाइक अदर पीपल. Then there was a phase, like, जब आप 14-15 के होते हैं, when you try to be, कि नहीं, अच्छा चलो मैं भी try करता हूँ, let's try to become a boy, तो वो भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नहीं, बस नहीं होना था. Yeah, of course. I mean, you couldn't be what you want. ये बचपन था बस. उसके बाद I came to, after my A-levels. आप कराची आ गए? हाँ, कराची आ गए. Before coming to Karachi, I lost my father, so that was also a big setback. Yeah. So that also changed a lot of things in my life. Obviously, आपके father ना हो and you're just 17 years old. फिर आपके जो दूसरा पेरेंट होता है लाइक माई मदर, शी वॉज ओवर प्रोटेक्टिव ऑब्वियसली. अभी कोई भी सेटल नहीं हुआ था अपनी पर्सनल लाइफ में. चलो दोनों बड़ों ने अपनी एजुकेशन ले रहे थे बट आई वॉज नॉट लाइक ए लेवल्स इज नथिंग राइट. अभी डिसाइड करना था कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ पढ़ना है. सो यस, आई डिडंट हैड माई फादर टू सपोर्ट मी इन ऑल दोज थिंग्स. सो ऑल दोज डिसीजंस वर माई अलोन. उसमें इन्फ्लुएंस आता था अम्मी का, घर वालों का, लेकिन फिर जब मुझे एक दफ़ा समझ में आ गई कि व्हाट माय आइडेंटिटी इज, देन आई वाज लाइक नथिंग कैन होल्ड मी नाउ, आई जस्ट वांट टू ब्रेक फ्री एंड जस्ट गो. पहले तो खुद नहीं पता था ना, जब तक सऊदीया में थे तब तक तो खुद भी मुझे लगता था कि आई एम द ओनली वन एलियन इन दिस वर्ल्ड एंड माय फीलिंग्स आर रॉन्ग एंड आई एम, इट्स रॉन्ग टू फील दिस वे. आई थिंक धूप काफ़ी तेज़ होती जा रही है, हमें घर चलना चाहिए, क्या ख्याल है? So how long has it been now since he passed away? He passed away in 2008. But did you start discovering yourself while you were in Karachi? Yes, Karachi was a turning point for me. क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने बताया बचपन में तो it was my all feelings were inside me और मैं अकेले कभी बैठ के सोचती थी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी सोचती थी शायद मैं पागल हूँ, शायद मैं पागलों वाली सोच रखती हूँ. Because you were out of place, right? हाँ, तो and then reason के I didn't see anyone of the similar feelings. I didn't had any social interaction with people who thought like me. So I thought कि मेरी feelings बहुत out of the world हैं और एक alienated feelings हैं and I was also to believe that my feelings are wrong. Yeah. I am wrong. There's something wrong with me. So I started believing that. But coming to Karachi, I got exposure. Obviously, when I was in my institute, ja rahi thi, exam, jo aptitude test, hota hai. तो वहाँ पे ऑब्वियस उसके पास ही एक ढाबा था, एक इंटरनेट कैफ़े था. उस टाइम पे इंटरनेट कैफे का ज़माना होता था ना. तो मैंने कहा कि मैंने इंटरनेट यूज़ करना है एंड मैं उधर चली गई वहाँ यानी इंस्टीट्यूट के बाद. फिर मैं वहाँ से जब निकली हूँ ना अपनी गाड़ी की तरफ आने के लिए, सो आई सॉ, वो थोड़ा 11-12 का टाइम था रात का ना, तो आई सॉ दिस
few trans people sitting in on the road corner. So the moment we glanced at each other, they were like, we know you're out of us. And I was like, I know you're out of me. Yeah. So that's how it all started. And then I was so happy. I was like, shukr hai meri tarah ke log bhi hain duniya mein, shukr hai meri tarah ke log bhi exist karte hain who feel exactly the same way as I do, and I'm not alone, and I'm not alone. So yes, it was an amazing feeling, and I just got drawn towards them, and yeah, that's how started hanging started. Out we started hanging out, and you started understanding your own identity as well. Yes, lekin kyunki unfortunately आप सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो आपको चीज़ें खुद भी नहीं पता होती, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ में आना शुरू होता है. बट दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप कि एटलीस्ट आपको अपने जैसे लोग मिले. फिर आप निकलते हो और लोगों से मिलते हो और तजुर्बा लेते हो, देन ओनली यू गेट टू नो. And then, what was your family's reaction when you were, you know, exploring your identity? Obviously, nazar aana shuru ho gaya hoga unko. Obviously. Mere cousin ko pata chal gaya tha because wo university mein tha mere. University mein jab ye sari hoti thi, jab main university mein kisi lobby mein ja rahi hoon, to koi mujhe khusra keh raha hai, koi chakka keh raha hai, koi cake keh raha hai. और 50-50 पौने दो, ये सारे वर्ड्स जो हैं मुझे पाकिस्तान आकर के पता चला कि अच्छा ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बुरे अल्फाज हैं और ये मेरे लिए यूज़ किए जा रहे हैं. तो मेरे कज़न को पता चल गया था. बट अगेन थोड़ी सी ख़ानदान की पॉलिटिक्स कहूँगी या क्या कहूँगी कि उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया मेरी अम्मी और मेरे भाई के सामने कि ओ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑल, शी इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. हाँ, उसको बहुत, आई मीन इट वाज अ बिग डील ऑब्वियसली फॉर देम लूजिंग देयर किड एंड सीइंग देयर किड गोइंग इनटू स्टीरियोटाइपिकल थिंग्स. लेकिन तो वो बस नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया उसके ऊपर और फैमिली के अंदर उसको बड़े नेगेटिव अंदाज से पोर्ट्रे किया गया. एंड दैट मस्ट हैव अफेक्टेड यू क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया था अपने आप को ढूंढना. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. तो यानी कि मुझे इतनी स्पेस फिर नहीं दी जा रही थी कि मेरी बात सुनी जाए, या मुझे मौका नहीं दिया जा रहा था उस वक्त. यानी कि एक होता है ना कि अम्मा गुस्से में आ जाती हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें हर चांस दिया, तुम्हें हर इंडिपेंडेंस दी, तुम्हें पढ़ने को कहा और तुमने ये किया. तो वो मैं एक बहुत गंदे स्पॉट में आ गई थी. एग्जैक्टली, लाइक बिकॉज़ उनके पास लगा था जैसे अपर हैंड है कि हमें तो तुम्हें हर चीज दी और तुमने हमें ये दिया, तुमने हमें रिटर्न में ये दिया ना. सो इज दैट व्हाई यू मूव्ड टू इस्लामाबाद? यस, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू, लाइक मैं ओवरशैडो होने लग गई थी फिर. सो टेल मी अबाउट योर सोशल सर्कल इन इस्लामाबाद. आपके लिए कैसा था यहां पर सोशलाइज करना? इट वाज रियली हार्ड इनिशियली. आपको पता है हर जगह की लॉबीज बनी हुई होती हैं, पीपल बॉक्स हुए हुए होते हैं, एवरीथिंग. एंड बैक इन 2011 it was a dream to hang out or be friends with the heteronormative people, like cisgender people like yourself ya koi aur normal aadmi. to question hi nahi tha na wahan, to acceptance milne ki kuch sawal hi nahi paida hota tha. So in the end I was left with community members only. In community mein aapko rehne ke liye you have to follow a system like the guru chela system. Okay. Which is modern day slavery, I would say. To yeah, I was part of that since 2010 mein mujhe guru karna pada tha because I wanted to socialize in the community. And why did you say that it was like slavery? Because the whole system at large is slavery, human exploitation, trafficking. Jaise power dynamics, you understand power over and power under. To wo guru chela wala system isi tarike se, that guru has all the power on you just because, क्योंकि उसने अपना shelter तुम्हें एक दिन दिया था, तो अब he the guru can do anything with you. अब वो आपको बता सकता है कि आपको भी क्या करना है. Exactly. But don't you think this is also because हमने as a society trans people को बहुत ज़्यादा oppress किया हुआ है, because we've not given them opportunities elsewhere, so they're only left with, you know, this few options. Yes, that's very true के society ने at large जो है बहुत ज़्यादा push back किया था. तो obviously आपके पास जब space ही नहीं है claim करने के लिए और आपके पास एक safe space डेरा है, तो आप डेरे पे जा रहे हो. लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स की लेंस में या फ्रेमवर्क में देखें, तो वो डेरे के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इलीगल हो रहा है. वहाँ क्या हो रहा है, डांस फंक्शंस इटसेल्फ आप देखें कि कितनी डिग्निटी को लोअर करके आप जो है डांसर खड़ी हुई है 10 मर्दों के बीच में, पैसे उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं. आप यानी कि इसको सिर्फ इस तरह से देखें कि जिस पैसे के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं वो आपके पैरों में रुल रहा है, वो 10-10 की नोट आपके पैरों में रुल रहे हैं, आप उसके ऊपर खड़े होकर के डांस कर रही हैं. एज आई गॉट डीप इनटू इट,
I realized that this is not where I want to stand. This is not what I want to do. So, yes, I was always in a question mark, in a state of, ke, ye kya ho raha hai? This is not what I wanted. So, wo question hamesha mere dil mein rehta tha. उसको मैं एड्रेस भी नहीं कर पाती थी. आहिस्ता आहिस्ता मिलती थी ट्रांस ऐसी भी मिलती थी जो थोड़ी एजुकेटेड होती थी, उनके साथ कभी गप लगती थी कि चलो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स डू टेलरिंग का बिजनेस. बिकॉज़ वही वाली बात ना कि इतने कम लोगों को प्रिविलेज मिलता है टू बी एबल टू एक्सेस अपॉर्चुनिटी. पीपल से दैट आई एम प्रिविलेज्ड, बट उस वक्त मेरी प्रिविलेज ने भी आपको वहीं लेकर के गए. सो इन बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस आई हैड टू डू व्हाट every other trans was doing. I had to be part of that system. I had to be paying my guru monthly jo bhi dena hota tha ki, because she's my guru. Because we don't give people that kind of opportunity. We don't give trans people that kind of opportunity ke wo log other options dekh sakte. To isliye ye baat aam logo tak pahunchna zaruri hai ki this system, this social system is not the one which will support your kids. You are the one. Parents are the one who should take the ownership and responsibility and provide the social system. And the support. And the support. Aur jab aap ye dekhenge ki parents aapke saath khade hain, to phir baaki society bhi thoda hola haath rakhegi. Everyone needs to realize ki this is a small space and we all have to share it equally. Yeah. So that's, I think so, that will bring a change. So Maya, जब आप इस्लामाबाद आ गई and you were part of this Guru Chela system, तो फिर when did you start realizing it was not for you? Like जब मैं ये देखती थी कि मुझसे ज़्यादा weak लोग जो हैं, यानी कि मैं, क्योंकि मेरी गुरु जो थी सिर्फ मैं उनकी अकेली चेला तो नहीं थी ना, और भी बहुत सारे चेला थे, तो मेरी तो चलो काफ़ी हद तक वो फिर भी लिहाज कर लेते थे, बिकॉज आई वॉज इंडिपेंडेंट लिविंग सेपरेटली, उनके साथ में नहीं रहती थी मैं, सिर्फ एक अपनी इकॉनमी को इंटैक्ट रखने के लिए मैं उनके साथ अटैच हुई थी. सो फंक्शंस पे जाती थी मैं, फंक्शंस पे जब मैं देखती थी कि किस कदर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक डांसर वहाँ स्टेज पे खड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह आदमी है, उसको अपनी सेल्फ स्टीम, उसको अपनी डिग्निटी को कितना नीचे ला करके उन चंद पैसों के लिए वहाँ खड़े होना पड़ रहा है, और फिर वही डांसर जो है वापस घर आ कर के मज़ीद एक्सप्लॉयट कर रही है हेल्पर्स को, और वो यानी हर जगह एक पावर प्ले चल रहा था ना. तो मैंने कहा कि ये तो यानी कि जिसका जहाँ दिल करा, जिसकी जहाँ पर पावर चली उसने वहाँ वो ख़राब किया. मेरी आँखों के सामने मेरी गुरु, यानी कि मेरी एक और उसको कहते हैं गुरु भाई ना, जो ए दो चेले एक ही गुरु के ना, तो मेरी जो गुरु भाई थी ना, शी डिडंट वांटेड टू गो समवेयर या शी वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मेरी गुरु को बड़ा गुस्सा था उसके ऊपर कि ये देखो मेरी बात नहीं सुन रही है ला 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 ना. उसने क्या किया, 20 दिन जब गुजर गए, चीज जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया, तो उसने यानी कि शो ये किया कि उसका गुस्सा ठंडा था, लेकिन क्योंकि उसके पास पावर थी, नो वन वाज गोइंग टू क्वेश्चन हर कि व्हाई शी डिड दिस, तो उसने 20 दिन के बाद जब थोड़ा मामला ठंडा हुआ, तो उसने उसको बड़े प्यार से बुलाया, और बड़े प्यार से बुला करके हम लोग को कमरे से बाहर भेजा, एंड जस्ट इमेजिन कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी, एंड आई वाज लाइक हमें क्यों बाहर भेज रही हो ना, लाइक तुम बाहर तो जाओ ना, और दरवाज़ा अंदर लॉक होता है, एंड दे आर शाउटिंग, दे आर क्राइंग, एंड जब वो मेरी फ्रेंड जो दूसरी ट्रांस थी वो बाहर आती है, शी इज़ बॉल्ड, उसको गंजा कर दिया गया है, उसकी आईब्रोज उड़ा दी गई हैं, और क्या रीज़न कि तुम्हें नाचने के लिए मैंने ये बाल लंबे करवाए थे, तुमसे मैंने कमाने के लिए बाल लंबे करवाए थे, तो जब ये मेरे किसी काम के नहीं तो ये तुम्हारे भी किसी काम के नहीं. लाइक मैं लिटरली हिल गई थी कि ये क्या है, लाइक मैं एक बात नहीं मारूंगी और ये होगा. एंड दीज वर थिंग्स दैट मेड यू रियलाइज कि यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. एग्जैक्टली. So that made me realize and think ke, no, this system is also, and these people are also not what I'm looking for, and I need to apna rasta, re-evaluate things, aur apna rasta maine alag karna hai. Yeah. So, and your parents had not, like your mother had not accepted ki aapki kya? She was in total denial. When did they start accepting you though? So this was back jab meri younger sister thodi si badi hui, and she was like getting to know things, and she was studying in Dubai, so she started calling me and we started talking, and she was like, hey, I know what's the deal, and you don't need to be embarrassed in front of me, and we are like a family. So did that remove a burden on your heart when she said that? Definitely. And she was like, I'm always here to support you. Bhai bhi mera bahut acha tha, usne bhi kaha bahut zyada kiya. So initially it started with my younger sister. She visited me first time in 2018 January.
So that was the first time she saw me as Maya. She saw me living in my lifestyle, living as who I am. So that was an eye-opener for her as well. And she was like, this is totally different from what is perceived in mind of people. Yeah. Then it took them time to realize. And then, जैसे मेरा काम एडवोकेसी का है तो मैं कहती हूँ मेरी एडवोकेसी उस वक्त मेरे भाई ने और मेरी बहन ने की. उन्होंने अम्मा को बहुत समझाया कि इस तरह के बच्चे होते हैं, इट्स टोटली फाइन एंड जेंडर शुड नॉट या दिस शुड नॉट डिफाइन द हु व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन शी इज, एक्सेप्ट हर फॉर शो हु शी इज. एंड दैट हेल्प्ड, मस्ट हैव हेल्प्ड, दैट रियली हेल्प्ड. सो 2018 में जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना था, सो मैं बहुत इमोशनल थी, मैं बहुत रो रही थी कि मेरी तो शादी भी नहीं होनी. सो दिस इज़ लाइक अ शादी का इवेंट, लाइक मेरी लाइफ में इट्स अ शादी की वैल्यू रखता है एक ब्रांड ओपन करना, एंड इट्स माई बेबी एंड दिस एंड दैट ना. तो आई वॉज क्राइंग टू माई सिस्टर के आई एम वेरी हर्ट के आई हैव डन सो मच टू प्रूव एवरी वन रॉन्ग येट आई एम स्टैंडिंग अलोन. So that really helped me, and then my mom came and she... To your brand launch? Yes, to my brand launch. And that was the first time in 7 years when she actually saw who Maya is, what is Maya about. And then when she saw me mingling with my friends, people talking to me about my work and adoring me, appreciating me, and she was like, this is totally different. So yes, that really helped me. And then abhi bhi kabhi kabhi kar jati hain ammi, yani ki wo phir point z, b pe aa jati hain, phir wo wapas point a pe chali jati hain. That must be hard, right? Wo rishtedaron ki wajah se jati hain point a. So bas chal raha hai, allah ka shukr hai. So are you a coffee person or a tea person? Chai. I mean, no, it depends on the social situation. Okay. Like, so you're a social tea drinker. Yeah, like a social caffeine drinker. Actually, mere liye aisa nahi hota ki mujhe subah uthke zaruri ho chai or coffee peena. So if you're in a gathering, everyone's having caffeine, yeah. So you go for it. Exactly. It's my drug of choice.